एक छोटे से शहर में अश्विनी अपनी माँ के साथ रहता था। अश्विनी की कोई बहन नहीं थी, जिसकी वजह से उसे हमेशा बहन की कमी महसूस होती थी। माँ, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? सबकी बहनें हैं और सबकी बहनें अपने भाइयों के भाई दूज पर टीका करती हैं, पर माँ, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। अश्विनी अपनी माँ से बात करते करते रोने लगता है। बेटा, परेशान नहीं होते, एक ना एक दिन तुझे भी तेरी बहन जरूर मिलेगी। क्या सच में माँ, मुझे मेरी बहन मिलेगी और मुझे भाई दूज पर टीका करेगी? जब भी अश्विनी अपनी माँ से बहन के बारे में सवाल करता, तो अश्विनी की माँ उसे हमेशा ये कहकर चुप करा देती थी कि एक दिन तुझे तेरी बहन जरूर मिलेगी। एक दिन की बात है, अश्विनी अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गया हुआ था। तभी अश्विनी के सभी दोस्त आपस में बातें करते हैं। भाई दूज आने वाला है, मेरी बहन इस बार मेरे टीका करने के साथ साथ गिफ्ट भी देगी। अच्छा, और इस भाई दूज पर जब मेरी बहन नारियल के साथ मुझे टीका करेगी तो मैं उसे चॉकलेट दूंगा और मैं नए कपड़े भी पहनूंगा। इस बार भाई दूज पर जब मेरी बहन मुझे नारियल के साथ टीका करेगी तो मैं उसे एक सुंदर सी घड़ी दूंगा। अश्विनी अपने दोस्तों की बातें सुन रहा होता है। तभी अश्विनी के सभी दोस्त उससे कहते हैं, अश्विनी, इस बार भाई दूज पर तुझे नारियल के साथ टीका कौन करेगा? तेरी तो कोई बहन ही नहीं है। फिर अश्विनी के सभी दोस्त हंसने लगते हैं। इसके तो कोई बहन ही नहीं है, ये तो बिना बहन का भाई है। अश्विनी अपने दोस्तों की बात सुनकर बड़ा दुखी होता है। देख लेना, इस बार भाई दूज पर मेरी बहन मुझे जरूर मिलेगी और वो मुझे नारियल के साथ टीका भी करेगी। तेरी बहन होगी तो मिलेगी ना। फिर अश्विनी के सभी दोस्त हंसने लगते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अश्विनी वहीं बैठा सोचता रहता है, भगवान, मुझे मेरी बहन कब मिलेगी? अब तो भाई दूज भी आने वाला है। यही सब सोचते सोचते अश्विनी को रात हो जाती है। फिर वो अपने घर की तरफ चल देता है। अश्विनी सड़क पार कर ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में सड़क के बीचों बीच एक लड़की दिखाई देती है। तभी अश्विनी देखता है कि सामने से एक ट्रक उस लड़की की ओर आ रहा है। अश्विनी जल्दी से उस लड़की को सड़क के एक ओर धकेल कर बचा लेता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। जैसे ही अश्विनी उस लड़की को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं तो एक चुड़ैल हूँ और तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे भैया कहा, पर तुम तो एक चुड़ैल हो। क्यों, चुड़ैल क्या किसी को भाई नहीं कह सकती? तुम यहाँ बीच सड़क पर, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इसीलिए तो मैंने तुम्हें भाई कहा, तुमने मेरी जान जो बचाई। ये सुनकर अश्विनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। तुम रो क्यों रहे हो? तुमने मुझे भाई कहा ना, इसलिए मुझे रोना आ गया। आज तक मुझे किसी ने भाई नहीं कहा, इसीलिए मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं और कोई लड़की मेरी बहन भी नहीं बनती। मेरे सब दोस्तों की बहन है, उनकी बहनें भाई दूज पर उनको नारियल के साथ टीका करती हैं, पर मेरी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए कोई मुझे टीका नहीं करता और मेरा माथा हमेशा सूना रहता है। मेरा नाम आरती है, मैंने भी आज तक कभी भाई दूज नहीं मनाया। मेरा भी मन करता था कि मैं भी अपने भाई के साथ भाई दूज मनाऊं, उसके नारियल के साथ उसे भी टीका करूं, पर मेरा कोई भाई नहीं है ना, इसलिए मैं बस दूर से इंसानों को भाई दूज मनाते देखती हूँ। तभी चुड़ैल अश्विनी से कहती है, क्या तुम मेरे भाई बनोगे, मुझे अपनी बहन बनाओगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा भाई बनूंगा, आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। अब से मैं हर भाई दूज पर तुम्हें टीका करने आया करूंगी और फिर तुम्हारा माथा भी सूना नहीं रहेगा। सच में तुम मेरे साथ भाई दूज बनाओगी और मुझे टीका करने आओगी? हाँ, सच में मैं तुम्हें भाई दूज पर टीका करने जरूर आऊंगी। और कल तुम अपने सभी दोस्तों से कह देना, इस बार मैं अपनी बहन के साथ भाई दूज मनाऊंगा और वो मुझे टीका करने आएगी। लेकिन तुम मुझे भाई दूज पर कैसे टीका करोगी? तुम तो चुड़ैल हो और मैं तुम्हें अपने दोस्तों से कैसे मिलवाऊंगा? ये सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है।
मैं एक जादुई चुड़ैल हूँ और मैं कोई भी रूप ले सकती हूँ, ये देखो। फिर चुड़ैल अश्विनी को एक सुंदर लड़की के रूप में आकर दिखाती है। अरे वाह, ऐसे तो तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तभी अश्विनी और चुड़ैल को बातें करते करते बहुत रात हो जाती है। बहुत रात हो चुकी है, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, अब तुम घर जाओ, लेकिन मुझसे मिलने कल जरूर आना। ठीक है, जरूर आऊंगा। ये कहकर अश्विनी अपने घर चला जाता है। अश्विनी की माँ अश्विनी से गुस्से में पूछती है, तू इतनी रात कहाँ था और तुझे आने में इतनी देर क्यों लगी? तभी माँ देखती है कि अश्विनी आज कुछ खुश नजर आ रहा है। अश्विनी, क्या बात है, आज तू बड़ा खुश नजर आ रहा है। माँ, आपको भाई दूज पर खुद पता चल जाएगा। ला 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 ला। तड़ंग तड़ंग। अश्विनी को इतना खुश उसकी माँ ने कभी नहीं देखा था। और फिर कुछ देर बाद अश्विनी और उसकी माँ खाना खाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है, अश्विनी अपने दोस्तों के पास खेलने चला जाता है। उसे देखकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं, अश्विनी क्या बात है, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। मुझे भी मेरी बहन मिल गई है, अब वो भी मुझे भाई दूज पर नारियल के साथ टीका करेगी, फिर मैं भी अपनी बहन को उपहार दूंगा। क्या अश्विनी, तू भी सुबह सुबह कैसा मजाक कर रहा है, तेरी और बहन, तेरी तो कोई बहन नहीं है, तेरी बहन कहाँ से आई है? हाँ, मुझे मेरी बहन मिल गई है, भाई दूज वाले दिन मैं तुम सबको अपनी बहन से मिलवाऊंगा। लगता है ये बहन की वजह से पागल हो गया है। फिर सभी दोस्त अश्विनी की बात पर हंसने लगते हैं। जा जा, तुझे भाई दूज पर कोई टीका करने नहीं आएगा। तुम सबको यकीन नहीं होता ना, भाई दूज वाले दिन तुम सबको मैं अपनी बहन से मिलवाऊंगा। फिर अश्विनी वहाँ से चला जाता है और जैसे ही रात होती है वो उसी जगह पहुँचता है जहाँ उसे चुड़ैल मिली थी। क्या बात है, आज तुम उदास लग रहे हो। सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि तेरी कोई बहन नहीं है और भाई दूज पर तुझे कोई भी टीका करने नहीं आएगा। कल भाई दूज है, तुम कल भाई दूज पर मुझे टीका करने आओगी ना? हाँ मेरे भाई, कल मैं तुम्हें भाई दूज पर टीका करने जरूर आऊंगी और तुम्हारे सब दोस्तों से भी मिलूंगी। ये सुनकर अश्विनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर रात हो जाती है तो अश्विनी अपने घर चला जाता है और वो कल का इंतजार करने लगता है, क्योंकि कल भाई दूज जो है। और फिर अगली सुबह सभी लोग तैयार होकर भाई दूज का त्योहार मना रहे थे। सबकी बहनें अपने भाइयों को नारियल के साथ टीका करती हैं। अश्विनी के सभी दोस्तों की बहनें भी उनके नारियल के साथ टीका करती हैं और उन्हें उपहार भी देती हैं। और वो सभी भी अपनी बहनों को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। अश्विनी भी तैयार होकर अपनी बहन आरती का इंतजार करने लगता है। तभी अश्विनी के सभी दोस्त अश्विनी के पास आते हैं। अश्विनी, कहाँ है तुम्हारी बहन? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बहन भाई दूज पर टीका करने जरूर आएगी, है? अब कहाँ है तुम्हारी बहन? तभी दूसरा दोस्त हंसते हुए कहता है, बहन होगी तब ना इसके टीका करने आएगी। फिर अश्विनी के सभी दोस्त चले जाते हैं तो कुछ देर बाद अश्विनी के घर उसकी बहन आरती आती है, और कोई नहीं चुड़ैल आरती ही होती है। आरती, मेरी बहन, तुम आ गई। अश्विनी भैया, आओ मैं तुम्हारे टीका कर दूं। फिर आरती चुड़ैल अश्विनी का टीका करती है और उसे मिठाई खिलाती है और उसे उपहार में सुंदर कपड़े देती है। ये तो बहुत सुंदर है, पर मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ क्यों नहीं, तुमने मुझे इतना अच्छा उपहार जो दिया है, मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई जो है, आज मैं तुम्हारी वजह से भाई दूज मना पाई, तुम्हें टीका कर पाई, इससे अच्छा उपहार मेरे लिए क्या हो सकता है। तभी अश्विनी के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि सच में अश्विनी की बहन ने उसके साथ भाई दूज मनाया है और उसके नारियल के साथ टीका भी किया है। अश्विनी, हमें तो लगा था कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, पर तुम सही कह रहे थे, सच में तुम्हारी बहन है। हाँ, सच में ये मेरी बहन है और अश्विनी मेरा भाई। फिर चुड़ैल सबके सामने असली रूप में आती है तो सभी चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाते हैं। तुम तो चुड़ैल हो। आज मैं चुड़ैल होकर मेरे भाई अश्विनी की वजह से भाई दूज मना पाई। चुड़ैल भी अपने भाई अश्विनी के साथ भाई दूज मना कर बड़ी खुश होती है। हमें माफ कर दो अश्विनी, हमें तुमसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। और फिर हर भाई दूज पर चुड़ैल हमेशा अपने भाई अश्विनी को टीका करने जरूर आती।